नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। सेब को फ्रिज में रखने के बाद आपने कई बार पाया होगा कि ये खराब होने लगते हैं, साथ ही कई बार सेब का स्वाद भी खराब होने लगता है। दरअसल लंबे समय के लिए सेब को स्टोर करने से सेब में पाए जाने वाले एंजाइम्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे ये ज्यादा पक जाते हैं और सेब का स्वाद खराब होने लगता है। इसके अलावा कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कटे हुए सेब फ्रिज में रखें या बाहर रखें, तेजी से भूरे रंग के होने लगते हैं। ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के कारण होता है। वो ऐसे कि जब आप सेब को काटते हैं तो एंजाइम ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एंजाइम जितना अधिक समय तक खुला रहता है उतना ही भूरा होता रहता है। पर सवाल ये उठता है कि हम सेब को लंबे समय तक सही और ताजा कैसे रखें? सेब को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं, हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आप फ्रिज में सेब को रख सकते हैं और नहीं भी। दरअसल फ्रिज में अगर आप बहुत अधिक तापमान पर सेब को खुला रख देते हैं तो ये खराब भी हो सकते हैं। अगर आप इसे पेपर में लपेट कर या किसी बास्केट में डालकर रखते हैं तो सेब का एथिलीन तेजी से नहीं बढ़ेगा और ना ही इसे खराब करेगा। इससे सेब के फायदे वाले पोषक तत्वों जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और पोटेशियम आदि की भी हानि नहीं होगी। पर ध्यान रहे कि लंबे समय तक खुला करके या काट कर सेब फ्रिज में रखने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं सेब को स्टोर करने का सही तरीके के बारे में। सेब कम हो तो रेफ्रिजरेटर में रखें। 90-95% ह्यूमिडिटी के साथ सेब को स्टोर करने का आदर्श तापमान 30-35 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसे में अगर आपके पास बहुत सारे सेब नहीं है तो इसे फ्रिज में रखना एक अच्छा विकल्प है, पर सेब को तब भी खुला न रखें। कटे हुए सेब को नींबू के रस से धोकर रखें। नींबू का फायदा ये है कि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए जब आप सेब के स्लाइस पर नींबू का रस लगाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है। इसके लिए कटे हुए सेब को अलग रखें, फिर इसमें एक बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाकर रख लें। अब कटे हुए सेब को इस पानी में 3-4 मिनट रखें और छान लें और धोकर रख लें। ऐसा करने से सेब अब काला या भूरा नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप सेब काटकर प्लेट में रखें तो उस पर हल्का सा काला नमक डाल लें। ये स्वाद के साथ साथ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी काफी धीमा कर सकता है। इससे सेब के स्वाद में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।